नमस्कार, भोजपुरी समाचार में रउआ सब लोगन के स्वागत बा। हम बानी प्रतिभा। अगला आधा घंटा में रउआ सब के हम रूबरू कराए सप्ताह भर के उबड़न खबरन से जे बनल रहल चर्चा में। भोजपुरी समाचार में सबसे पहले बात पीएम के झारखंड दौरा के। प्रधानमंत्री बनला के बाद नरेंद्र मोदी पहला बेरी झारखंड अइले। कार्यक्रम सरकारी रहे लेकिन ओकरा बहाने सियासत खूब भइल। सियासी पैगाम देवे खातिर ए मंच के इस्तेमाल जितना पीएम मोदी कैलन उतने सीएम हेमंत सोरेन भी कैले। विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा झारखंड के धरती के मोदी एक बेर फिर सलाम कैले, पर एह बेर उनका नाम के आगे प्रधानमंत्री शब्द जुड़ चुकल रहे। यही खातिर मंच से मोदी दोनों भूमिका में दिखाई देला। प्रधानमंत्री के जैसन घोषणा और योजना के बाद तो अपना पुरान और परिचित अंदाज में लोग से संवाद करे में भी ना चुकले मोदी। ये सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था और उसके बाद वो वहीं का वहीं पड़ा है। आप मुझे बताइए भाइयों, ये आपके साथ अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है कि वाजपेयी जी ने जहां काम छोड़ा है उसे आगे बढ़ाना शायद मेरे ही भाग्य में लिखा हुआ है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भविष्य में झारखंड के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। यहां जो बिजली पैदा होगी वो जब हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचेगी तो झारखंड की आर्थिक स्थिति में भी उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पावर ग्रिड सहित झारखंड के 5 और सौगात देवे पहुंचल मोदी राजनीति के कुशल कलाकार बाड़न। मौका मिलल तो मंच के पूरा इस्तेमाल कईले। झारखंड की स्थिति हमें मंजूर नहीं है, हमें इसे बदलना है, मिलजुल करके बदलना है। विकास की अनेक विध योजनाओं को लेकर के झारखंड को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। एक तरफ मोदी मंच से जनता के मन मोह के पार्टी के भविष्य के संभावना तलाशत रहन, तो दूसरा ओर सीएम हेमंत भी नजर अइलन। मौका मिलल तब मोदी के सारा तर्क पर अपना तर्कस के तीर चलावत दिखलन। जौन पिछड़ा वर्ग के मुद्दा मोदी बनैले ओकरा लेके गंभीर होए के दावा हेमंत सोरेनो कैलन। ऐसे नियामकों का गठन होना चाहिए जहां पर इन जमाखोरियों के प्रति हम लोग लगाम लगा सके। निश्चित रूप से मैं इसमें कहीं कोई गलत नहीं समझता कि विकास हेतु ऐसे नीतियां बननी चाहिए, लेकिन इसके प्रति हमें गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज आपके कंधे पर और हमारे कंधे पर इन गरीबों के अरमानों का बोझ है। हमको इन गरीबों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखानी होगी और निश्चित रूप से अब इन गरीबों को झूठे सपने दिखाना बंद करना होगा। इनको अब राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करना होगा, इनको मानवता की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि अगर आज ये गरीब के सपने टूटे तो ये देश बिखर जाएगा। मंच सरकारी कार्यक्रम के रहे लेकिन नजर अगला सरकार पर। पावर ग्रिड के उद्घाटन कार्यक्रम में दोनों नेता अपन बयान से कार्यकर्ता में ऊर्जा भरे के कोशिश करत दिखलन। फर्क इहे रहे कि मोदी एक बेर गरीब बन चुकल बाड़न और हेमंत नया पर के गरीब बन के जनता के बीच जगह बनावे के कोशिश में बाड़न। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, रांची। चलिए अब बात कर जाओ लालू नीतीश पर शकुनी के हमला के। जेडीयू नेता शकुनी चौधरी लालू यादव और नीतीश कुमार के एके साथे झटका देवे वाला बयान देले बाड़े। उ दोनों नेता लोगन के निशाना पर लेले बाड़े और जे कहले बाड़े उससे बिहार के राजनीतिक गलियारा में सनसनी फैल गई बा। लालू यादव के साथ छोड़ नीतीश कुमार के हाथ पकड़े वाला शकुनी चौधरी ना खाली उनकर खिलाफ मोर्चा खोलले बाड़े बाकी इशारा भी कर देले बाड़े कि राजद और जेडीयू के गठबंधन उनकरा नागवार गुजरता।
लालू और नीतीश के ही हकीकत। एम हैरानी के बात नहीं है कि बीजेपी के तनिक को बढ़िया नहीं खेला। बाकी दोनों के साथ सियासी जिंदगी गुजारे वाला अगर है दोस्ती पर आपन फौज चढ़ावत बा तो तनी आश्चर्य जरूर। ऐसे एकरे के सियासत कहल जाए जेकर बानगी लालू और नीतीश के चहेता रहल शकुनी देत बा। नीतीश कुमार कंस्पिरेटर है, ये नेता नहीं हो सकता। इसके अंदर नेता वाला कोई गुण ही नहीं है, इसलिए कि ये हमेशा किसी को डैमेज करना, किसी को बर्बाद करना, ये कंस्पिरेसी के माध्यम से करता है। भागलपुर में लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मेरे पैरों पर गिर गया तो क्या मैं उसको उठा के फेंक देता। नीतीश कुमार को शर्म आए ना आए, लेकिन शकुनी चौधरी चूंकि नीतीश को हमने ही बढ़ाया है तो नीतीश को शर्म आवे या ना आवे, लेकिन शकुनी चौधरी को जरूर शर्म आ रहा है। अहंकारी लोग अभी सोचते हैं कि हम दोनों मिल गए तो पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अहंकारी को ये पता नहीं है कि अहंकार में जो व्यक्ति गया उसका नाश भी निश्चित है। आरजेडी के दिग्गज रहल आ लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के दामन थामे वाला शकुनी 21 अगस्त के जे 10 सीटन पर उपचुनाव भइल ओसे पहले ऐसन काहे कइले। एगो तो खुला रहस्य बा कि लालू के छोड़ नीतीश के साथ खड़ा होए वाला शकुनी और उनकर मंत्री बेटा सम्राट चौधरी के राजद आ जेडीयू के गठबंधन से सियासी परेशानी। बाकी ऐसन काहे बा कि शकुनी लालू आ नीतीश के माथा पर बल देखल चाहता है। दरअसल एकर वजह लालू के बयान और बयानन के सुने के नीतीश के मजबूरी बा। हम ये क्या गोतिया गोतिया लड़ते रहोगे तो तीसरा को फायदा होगा कि नहीं? अरे तुम नीतीश कुमार का अपहरण कर लिया था तुम लोग, हम फोन आपके लाए, असली में राजद आ जेडीयू गठबंधन के बाद से ही बात के लेके कयास लगावल जात रहे कि नुमाइंदगी के लेके नीतीश आ लालू के बीच का करार भइल। हालांकि दोनों लोग ये बात के खुलासा नहीं कर, बाकी दोनों दल में एगो तबका बा जे करार के मसला पर दरार के हालात से इनकारो नहीं कर चाह। शकुनी कहीं ओकरे में से तो एगो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन्हें लगातार विवादित बयानन से सुर्खियन में रहे वाला बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एगो और बयान देले बाड़े। गुरुवार के पटना के महेंद्रू में राजकीय कल्याण छात्रावास में छात्रन के संबोधित करत मांझी कहलन कि बिहार में सरकार बनावे खातिर दलित आबादी बढ़ावे के चाहत बा और जात पात से ऊपर उठ के अंतरजातीय विवाह करे के जरूरत बा। बिहार में हाशिया पर मानल जाए वाला महादलित के सियासी महत्ता के कोनो सियासी दल नहीं खेन कर। इस समुदाय कई गो सियासी दिग्गजन के जन्म दिले बा, बाकी इनका हालत में सुधार कमी लौकत। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यही समुदाय से आवेले आ उनकर इच्छा बा कि महादलित वर्ग के सियासी दखल बढ़े के चाहिए। बाकी जवन तरीका मुख्यमंत्री सुझावले उ तनी दिलचस्प बा। जीवन आप लोगों का है, खेलना आप लोगों का है। हम आज के दिन में बाबा अम्बेडकर के नाम पर हम आह्वान करना चाहते हैं कि कम से कम शेड्यूल कास्ट के बच्चे अंतर जातीय विवाह में विश्वास करें। अगर अंतर जातीय विवाह कर देते हैं तो हमारी जनसंख्या 16% मानी जाएगी। देश में आबादी के काबू करे के कोशिश हो रहा, बाकी सीएम विकास के नाम पे एकदम उल्टा बयान दे रहा बने। हालांकि ये बयान पर वो अपन वजह भी दे रहा बने, बाकी इनकर ये बयान पर विरोधी खेमा उनका के आड़ो हाथ ले रहा बने। केवल समाज के नाम पे किसी जनसंख्या को बढ़ाने की बात करना ये समाज को तोड़ने वाली भाषा है, और किसी मुख्यमंत्री को समाज को जोड़ने वाली बात कहनी चाहिए। और कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, हम तो आज हर जाति समाज के लोगों से अपील करते हैं कि जनसंख्या का नियंत्रण हो, क्योंकि इस देश और इस राज्य पर खास करके बिहार का जो जनसंख्या का औसत घनत्व है वह 1192 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो
देश का सर्वाधिक है। सीएम मांझी बिहार में महादलितन के आबादी 22% तक करे के उम्मीद पल्ले बने आ यही बुता सत्ता में बनल रहे के उपाय बतावत रहे। हैरानी हो सकत है, बाकी ई हो सियासत के एगो सच्चाई बा। प्रवीण कांत के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। यहाँ वक्त हो गई बा एगो छोट ब्रेक के, ब्रेक के बाद लौटब तो बात हो के कुछ और ही बढ़न खबरन के। ब्रेक के बाद राउर स्वागत बा। अब रउआ सबके दिखाई चोरी के लाइव वीडियो। ई वीडियो बोकारो के चास इलाका के बाद जहां एगो बाइक चोर के करतूत कैमरा में कैद हो गई। लगातार बाइक चोरी से परेशान पुलिस के ई वीडियो हाथ तक लागल बा, बाकी ओकरा से कोनो फायदा होत नहीं खेलौकत। एसीसी फुटेज के तनी ध्यान से देखी। ई वीडियो स्टील सिटी बोकारो में बेखौफ चोरन के कहानी कह रहल बा। ए वीडियो से साफ लौकता कि चोर कतना आसानी से कतहू से कौन मोटरसाइकिल चाहे कौनो दोसर गाड़ी उड़ा रहल बा। ई तस्वीर कुछ हुए दिन पहले के चास धर्मशाला के पास एक होटल में एगो आदमी मोटरसाइकिल से आये आ मोटरसाइकिल खड़ा करके होटल के भीतर चल तले हो जाए। एगो दोसर आदमी आये आ मोटरसाइकिल खड़ा देख के वो बैठ गए। ई आदमी कुछ देर तक तो मोटरसाइकिल पर बैठ के एने उन्हें देखलस आ थोड़ा ही देर के बाद मोटरसाइकिल से उतर के दहिना साइड चल। बाकी कुछ ही देर के बाद फिर उजला कुर्ता पहन के आके मोटरसाइकिल पर बैठ आ धीरे धीरे मास्टर चाबी से मोटरसाइकिल के लॉक खोलेला। जब लॉक खुल गई तब बड़ा सावधानी से इन्होंने ताक के मोटरसाइकिल ले के पीछे के गली के राह से चलत बने। चोरी हो रहा है एक दो जगह सीसीटीवी में आया है उसमें हम लोग फ्रूट प्रिंट निकलवा के खोजबीन करवा रहे हैं, उसका पहचान करवा रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा का ऐसा जो कैमरा का जो पावर है उसे चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ा। जब तक स्पष्ट चेहरा नहीं सामने आ जाता है किस पर उंगली उठा के दबे। लेकिन हाँ कुछ ग्रुप लोग ऐसा है जिस पर कुछ धनबाद से है कुछ पुरलिया से वो लोग आया आके घूम फिर के देख के गाड़ी खाली मिलता है लेके चला जाता है। एसीसी फुटेज के हाथों लगला के बाद पुलिस चोर के पहचान नहीं के पा रहा काहे कि सीसीटीवी फुटेज में ऊपर चेहरा साफ नहीं। बाकी पुलिस ई कह के अपन जान बचा रहल बिया कि चोरी कैसन घटना ए से होला काहे कि कोनो गाड़ी के मालिक अपन गाड़ी कतहू लगा के बेखबर हो जाए। इसमें आपको गाड़ी वाले गाड़ी मालिक लोग की भी लापरवाही रहती है कि बिना चाबी लगाए छोड़ देते हैं। उनको बार बार हिदायत किया जाता है कि कम से कम स्टैंड लॉक लगाएं, वो भी नहीं करते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग गश्ती से प्रयास कर रहे हैं और टाइगर मोबाइल के द्वारा भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी मालिक लोग हैं वो अपने तरफ से एकदम निफिक्र संकोच रहते हैं कि पुलिस के जी मत्थे छोड़ दीजिए पुलिस करेगा। तो थोड़ा सा इसके लिए जनता का भी सहयोग और सार्थक होना जरूरी है तब बहुत हद तक रुक सकती है। पिछला कुछ दिनन में बोकारो में गाड़ी चोरी भैला के कई गो मामला सामने आ गए आ अब लोग पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बाकी पुलिस के कहना बा कि अगर आदमी तनी सावधान रही हैं तो ऐसा घटना ना हो। थोड़ा सा अभी पर्व त्यौहार है, मनसा पूजा है, जन्माष्टमी वगैरह हुआ है, कुछ बारिश पानी लाइन उन अंधेरा अंधेरा की वजह से बारिश उरिश की वजह से कुछ गाड़ी वाहन कुछ वाहन चोरी की कुछ वारदात बढ़ी है जिसमें सेक्टर और चास में भी, लेकिन नियंत्रण और निगरानी रखा जा रहा है, नियंत्रण हो जाएगा मिल जाएगा। कुछ ग्रुप का पता लगा है जिस पर पीछा भी किया जा रहा है, जब तक स्पष्ट सामने नहीं होगा कहना मुझे। पुलिस तो अपन नसीहत दे रही है, बाकी बढ़न सवाल बा कि आखिर बोकारो में कहिया लोग बेफिकिर होके अपन गाड़ी खड़ा कर पाए आ कब ऐसा चोरन के पकड़ के पुलिस जेल भेज। मृत्युंजय मिश्र, जी मीडिया, बोकारो। यहाँ वक्त हो गई बाय गोआउ छोट ब्रेक के, ब्रेक के हो पार मिलाई भोजपुरी सिनेमा के 3 गो सुपरस्टार से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर राउ स्वागत बा। अब रउआ सबके हम मिलावत आनी भोजपुरी फिल्म के तीन बढ़न स्टार से, जे पटना आयल बाड़े अपन फिल्म योद्धा के प्रचार करे खातिर। आई देखल जाओ कि फिल्म के कलाकार के का कहनाम बा, देखी छोट बातचीत। बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले, वन ऑफ द सुपरस्टार कहे जाने वाले रवि किशन, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है पवन सिंह, भोजपुरी सिनेमा की हार्ट थ्रॉब कहे जाने वाली मधु शर्मा। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं जी पुरवैया में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आप पटना आए हैं, कितने दिनों बाद आप पटना आए हैं? हम 6 महीने के बाद पटना आए और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। पवन जी, आपसे जानना चाहूंगी आपको कितने दिन हुए पटना आए हुए? हम तो ये समय हर महीने ही आ जाइए, हमके भी उतने ही प्यार है जितना भैया बताए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे बिहार आके। हम तो यारे के आए, बिहारे के आए, बिहार आ रहा। और फिलहाल हमार शूटिंग भी चल रहा है सीतामढ़ी में, फिल्म का नाम है सपेरा। तो हम आते जाते रहते हैं हमेशा, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। रउआ ये बताई, हालांकि हम जाने ना कि रउआ भोजपुरी जाने नहीं की ना, बाकी फिर हम जानना चाहता नहीं कि रउआ के कितना दिन भाई पटना है। मैं आई थी पिछली टाइम अपने दूल्हे राजा के प्रमोशन के लिए लास्ट नवरात्रि, उसके बाद अब आ रही हूँ। और मुझे पटना आना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत प्यार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, पटना के लोग बहुत प्यार देते हैं। हमारे तीनों सुपरस्टार्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों को पटना क्या बिहार वासियों से बहुत सारा प्यार मिलता है, तभी तो लोग इनके इतने बड़े फैन हैं। चलिए ये बताइए कि आपकी जो आने वाली फिल्म है, जिस फिल्म के प्रमोशन के लिए आप यहाँ आए हैं, क्या है वो फिल्म, कैसी है वो फिल्म और कैसे आप अलग मानते हैं उस फिल्म को बाकी फिल्मों से? ये त्रिकोणी लव स्टोरी बा, त्रिकोणी प्रेम बाटे। एगो ऐसन प्रेमी जेकरा के प्रेम चाहिए और एक प्रेमी ऐसन जेकर पास प्रेम बाटे। तो बहुत अच्छा लगी, वो नयापन, एगो नया कहानी। और जैसे कि बिहार यूपी में हमेशा वाला वंश नाकाम प्रेमी प्रेमिका का स्टोरी है जब बहुत बाटे, तो बड़ा इन्जॉय करियन लड़का बच्चा लोग, जितना भी यूथ बाटे दे विल एन्जॉय। ये इसमें इनको सरप्राइज करेंगे, लड़की के रूप में भी दिखाई देंगे, शराबी के रूप में भी देंगे, लवर के रूप में भी, एक्शन में भी दिखाई देंगे, मैं भी अवघड़ प्रेमी के रूप में दिखाई दूंगा। मधु जी ने बड़ा इंटेंस परफॉर्मेंस किया। सो टोटैलिटी में पूरे पैसे आपके 40 रुपये 50 रुपये जो भी लग रहे हैं टिकट के, पूरे परिवार के साथ बड़ा मजा आई सब लोगन के। तो हम तो निहोरा करम, रिक्वेस्ट करम कि हम रवि किशन हाथ जोड़ के समस्त बिहार से कहते कि इस शुक्रवार के जरूर जाइए समस्त परिवार के लेके, लईका बच्चा लोगन के लेके, बड़ा मजा आई। जैसे आप सलमान खान के पिक्चर को बड़े चाव से देखने जाते हो, आप लोगों को कहीं कमी नहीं लगेगी कि हमने कोई हिंदी फिल्म या हिंदी परफॉर्मेंस से कोई कमी परफॉर्मेंस देखी। यहाँ के बताइए रानी की का रोल बात, राउत कैसा रोल पाई फिल्म? मेरा रोल इसके अंदर बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट शेड्स हैं इस फिल्म के अंदर। एक गांव की भूली भाली लड़की है, शहर आती है, शहर में पिंकी मिलते हैं, उनके साथ उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। फिर पहली बार भोजपुरी हीरोइन ने सरदार का रोल, यूयो सिंह का रोल किया है, मैं सरदार बनी हूँ फिल्म के अंदर। उसके लिए 3-3 घंटा बैठ के दाढ़ी लगाना और सरदार का पूरा गेटअप लेना, तो वो सब चीज़ें इस फिल्म के लिए। इस फिल्म में हर एक टेक्नीशियन ने, छोटे से लेके बड़े, हर किसी ने बहुत मेहनत की, हर आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की है। देयर वन सॉन्ग इन द फिल्म जो बहुत मस्ती को रहे, दिल में लग गई सुई, बदन में लग हो गई टुई टुई टुई। फिल्म के एंड में वो गाना दिखाया जाता पर्दा पे। अच्छा, गाना ये सुई अब लगा दी सुई जवनिया हो जाए टुई टुई, अब लगा दी सुई जवनिया हो जाए टुई 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 टुई। तो भोजपुरी समाचार में आज खातिर खाली इतने, काल फिर रउआ सब लोग से मुलाकात होगी यही समय पर। बाकी खबरन और मनोरंजन खातिर देखत रही जी पुरवैया, नमस्कार।